आई एम मोमिता और मेरा आज का वीडियो है मेकअप टिप्स फॉर समर। इस टाइम में जब भी हम गर्ल्स अच्छे से गेटअप करके और अच्छे से मेकअप करके बाहर निकलते हैं, हमारा मेकअप मेल्ट होना शुरू होता है एंड दैट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनॉयिंग। स्पेशली मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। और समर्स में आप कुछ इस तरह तो बिल्कुल लगना नहीं चाहोगे और मैं भी नहीं, तो इसलिए गर्ल्स मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल सा मेकअप टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका मेकअप इंटैक्ट और लंबे टाइम के लिए रहेगा। तो अगर आपको जानना है क्या है मेरा मेकअप टिप्स, देन यू हैव टू कीप वॉचिंग। मेरा फर्स्ट टिप है मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लोशन। सो गर्ल्स प्लीज, जब भी आप मेकअप करोगे, मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन लगाना मत भूलिए, क्योंकि समर्स में हमारा स्किन कुछ ज़्यादा ही ऑयल प्रोड्यूस करता है और इससे हमारे स्किन से मॉइस्चर लूज हो जाता है। तो अपने स्किन को बैलेंस और हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए मॉइस्चर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत लोग ये सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर इज ओनली मेड फॉर विंटर्स, पर विंटर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना समर्स के लिए भी। मेरा पर्सनल फेवरेट है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। मैं पर्सनली ये लगाना ही पसंद करती हूँ समर्स में, क्योंकि ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट है और ये अप्लाई करने के बाद ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी नहीं लगता। कमिंग टू सनस्क्रीन लोशन, गर्ल्स आप जब भी घर से बाहर निकले प्लीज़ सनस्क्रीन लोशन लगा कर ही निकले, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन से आपकी स्किन को अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। आप यूवी रेस और हार्मफुल रेस से अपने स्किन को बचाते हैं और कोई दाग धब्बे और फ्रेकल्स भी नहीं आते, तो सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल फेवरेट है VLCC सनस्क्रीन लोशन। मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली स्टिकी भी नहीं है और ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। प्लीज़ ऑब्जर्व किए कि सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है और बहुत ज़्यादा फेस ऑयली और ग्रीसी लगता है। तो मैं अपने हर एक मेकअप ट्यूटोरियल में, अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, मेरा जो भी डे टाइम मेकअप ट्यूटोरियल है उसमें मैं हमेशा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लोशन को मिक्स करके ही लगाती हूँ, और वो रीज़न मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ, तो इस टाइम मैं बताती हूँ कि क्यों करती हूँ मैं ये। मैं मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन को दोनों को मिक्स करके लगाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, सनस्क्रीन लोशन आपका थोड़ा सा डाइल्यूट होता है और इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड होता है, एंड द प्लस पॉइंट इज आपका स्किन ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी नहीं लगता। सेकेंड टिप है प्राइमर इज मस्ट फॉर समर। प्राइमर आप ज़रूर लगाइए कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले। प्राइमर बहुत ही लाइट क्रीम होता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है आपके स्किन पे, और बेस्ट पार्ट है जो आपका बेस मेकअप है वो एक जगह ही टिका रहता है एंड स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। सब फेवरेट प्राइमर है मेलिन जेल बेस प्राइमर। ये प्राइमर का बेस्ट पार्ट है ये एक जेल बेस प्राइमर है, ये क्रीम बेस प्राइमर नहीं है, जिससे आपके स्किन में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है एंड ये ऑयल फ्री है एंड दिस इज बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। थर्ड टिप है अवॉइड फाउंडेशन। यस गर्ल्स, समर्स में जितना हो सके फाउंडेशन को अवॉइड ही कीजिए। आप फाउंडेशन तभी लगाइए जब आपको ज़रूरत है, जैसे आपको कोई पार्टी में जाना है कहीं जाना है तभी फाउंडेशन लगाइए। डेली मेकअप के लिए आई प्रिफर कि फाउंडेशन आप स्किप भी कर दीजिए। फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। बीबी क्रीम बहुत ही अच्छा क्रीम है एंड आई जस्ट लव दैट क्रीम। मेरा फेवरेट बीबी क्रीम है मेबलिन बीबी क्रीम। मुझे ये क्रीम बहुत अच्छा लगता है ओनली फॉर मेनली रीजंस, क्योंकि ये स्किन इतना लाइट है, आपके स्किन में एकदम हैवी फील नहीं कराता है, इट्स वेरी लाइट एंड ईजली ब्लेंड हो जाता है, और ये SPF के साथ भी है और ये आपके स्किन टोन को इवन बनाता है, मीडियम कवरेज देता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है दिन भर तक। देन समर्स के लिए मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ गो फॉर दिस BB। नेक्स्ट टिप है पाउडर।
आपका एक बार बेस मेकअप हो जाने के बाद अपना मेकअप सेट कीजिए पाउडर से। पाउडर यूज करने से क्या होगा, आपकी जो फाइन लाइंस और पोर्स हैं वो कम विजिबल होंगे एंड आपका मेकअप बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहेगा। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये स्टार्स ट्रांसलूसेंट गोल्ड बीच पाउडर। मुझे ये पाउडर यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ये आपके ये मेरे स्किन में एक्चुअली बहुत ही अच्छा से ग्लो आता है एंड द बेस्ट पार्ट इज अफोर्डेबल। चूज लिक्विड आई लाइनर देन द कोल पेंसिल, क्योंकि लिक्विड आई लाइनर जल्दी स्मज नहीं होता है और बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहता है। मेरा पर्सनल आई लाइनर है लैक्मे 925 इम्पैक्ट लाइनर, ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वाटर प्रूफ है। टिप है आई लाइनर के लिए ये आई लाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडर आप अपने आई लाइनर के ऊपर लगा लीजिए, इससे क्या होगा आपका आई लाइनर स्मज नहीं होगा एंड इट स्टेज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मस्कारा, ऑलवेज यूज वाटर प्रूफ मस्कारा टू प्रिवेंट स्मजिंग ड्यूरिंग समर। पर्सनल फेवरेट मस्कारा है लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा, बिकॉज आई जस्ट लव यूजिंग दिस मस्कारा। मेरे हर एक मेकअप ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो कि मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ बिकॉज ये अच्छा सा वॉल्यूम देते हैं आपके आई लैशेज को एंड द स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, सो आई लव यूजिंग दिस मस्कारा। एंड माई सन ऑल्सो जॉइन मी जस्ट नाउ, आज उसका हॉलीडे है सो ही इज़ विथ मी। से हाई टू एवरी वन। कर्ल लगाने से पहले थोड़ा सा पाउडर आप अपने आई लैशेज में डस्ट कर लीजिए एंड मेक श्योर आप अपनी आंखें बंद रखिए, अदरवाइज पाउडर आपके आंखों के अंदर भी जा सकता है, सो बी केयरफुल विद दैट। वो करने के बाद इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका मस्कारा स्मज नहीं होगा, सो इफ यू डोंट हैव वाटरप्रूफ मस्कारा जस्ट ट्राई दिस टिप। गर्ल्स अवॉइड यूजिंग डार्क लिप कलर ड्यूरिंग समर, जितना हो सके आप लाइट लिप कलर ही चूज कीजिए, जैसे न्यूड पीच और पिंक कलर, समथिंग इन अ लाइटर शेड। आपको लिपस्टिक लगाना नहीं अच्छा लगता समर्स में, कोई बात नहीं, पर आप प्लीज समर में विदाउट लिप बाम अपने घर से बाहर मत निकलिए और वो भी विद SPF, बिकॉज आपका लिप्स बहुत ही डेलिकेट होता है तो उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, सो लिप बाम इज मस्ट। फेवरेट लिप बाम है ये VLCC लिप बाम विद SPF 10। इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ये लिप बाम बहुत ही ग्लॉसी नहीं है और ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, सो आई टोटली लव दिस स्पेशली फॉर समर, तो मैं ये पक्का यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा फाउंडेशन आप अपने लिप्स में अप्लाई कीजिए एंड देन अप्लाई लिपस्टिक, इससे ये होता है कि आपका लिपस्टिक बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहेगा और आपका लिपस्टिक स्प्रेड भी नहीं होगा एंड द बेस्ट पार्ट इज इट विल गिव अ नाइस मैट लुक। स्टेप है ब्रॉन्जर। गर्ल्स दिस समर ब्रॉन्जर आप जरूर यूज कीजिए बिकॉज ब्रॉन्जर से एक बहुत ही अच्छा सा हेल्दी ग्लो आता है आपके स्किन में एंड फॉर अ चेंज ब्लश को भूल जाइए एंड यूज ब्रॉन्जर। पर्सनली लाइक टू यूज दिस कलर बार ब्रॉन्जर, ये पेपराइजी ब्रॉन्ज 002 है। आई लव यूजिंग दिस ब्रॉन्जर बिकॉज ये अच्छा सा शिमरी और अच्छा सा ग्लो देता है आपके फेस में, सो गर्ल्स इन दिस समर ट्राई ब्रॉन्जर। लाइक ब्रॉन्जर जहाँ पे आपका सन रेज डायरेक्टली फेस पे पड़ता है, जैसे कि आपका चीक बोन्स, फोरहेड, नोज एंड चिन। ये था मेरा सिंपल एंड ईजी मेकअप टिप्स फॉर समर। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर लेना है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो विद वेबसाइट लिंक। आप वो लिंक पे बस क्लिक कीजिए, वो लिंक आपको डायरेक्टली वो वेबसाइट में लेके चला जाएगा जहाँ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। सो गर्ल्स, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉट एल्स एंड नथिंग मच। दिस इज मोमिता, आई एम साइनिंग ऑफ, आई कम अगेन विद माई न्यू वीडियो सून, सो टिल देन बाय।